डॉक्टर वीएल धरुलकर ने सोमवार को त्रिपुरा विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर प्रभार संभाल लिया। वे डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के UDMCJ विभाग के प्रमुख थे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। डॉक्टर धरुलकर त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे कुलपति हैं। कुलपति का कार्यभार संभालकर उन्होंने कहा कि त्रिपुरा विश्वविद्यालय राज्य के आर्थिक विकास में सुधार के लिए कार्य करेगा। कुछ महीने पहले निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर AK घोष ने अपना कार्यकाल समाप्त किया था, लेकिन नई नियुक्ति तक उन्हें कार्यभार संभालते रहने का निर्देश दिया गया था। प्रोफेसर घोष अपने कार्यकाल में घोटाले के लिए मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान त्रिपुरा विश्वविद्यालय का नाम देश के 11 गैर निष्पादित विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया था, जिसने राज्य सरकार को गुस्सा दिलाया और केंद्र सरकार को भी शर्मिंदा किया। इनकमिंग पीरियड आई विल ट्राई टू एलिवेट त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एट ग्लोबल लेवल एंड स्पेशली एकेडमिक एक्सलेंस विल बी मेंटेन्ड वेरी हाई एंड द यूनिवर्सिटी कैन बी source of inspiration for the people of Tripura. We'll try to bring socio-economic change, cultural change in the entire Northeast region. পরে বলবো যে উনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে এবং আমি খুবই আনন্দিত যে ওর মতন একজন বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞ লোক আমাদের এখানে আসতে পেরেছেন বা এসেছেন এবং नशीले पदार्थों की तस्करी के संदेह में ISBT के ड्राइवरों ने 3 महिलाओं को एक बच्चे समेत पकड़ लिया। इस घटना से धर्मनगर ISBT इलाके में तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। इन महिलाओं को 5 साल के बच्चे समेत उस समय पकड़ा गया जब करीमगंज जाने के लिए ये एक गाड़ी किराए पर ले रही थी। 3 महिलाओं के पास 13 बैग देखकर ड्राइवरों को संदेह हुआ और उन्होंने जबरदस्ती महिलाओं के बैग की तलाशी ली। तलाशी में बैग से गांजा के 33 पैकेट मिले, जिनका वजन 107 किलो 500 ग्राम था। ISBT के ड्राइवरों ने फौरन BMS नेता को इसकी सूचना दी, जिन्होंने बाद में धर्मनगर पुलिस थाने को सूचित किया। बाद में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी हायर करने के बाद में जब हम लोग सामान उठा रहा था तो सामान बहुत भारी था, तो भारी का वजह से हम लोग उनको पूछा इसमें क्या है दीदी, तो लोग बोला इसमें तो कपड़ा है, तो हम लोग को बोला थोड़ा उसको दिखाओ, तो नहीं दिखाया। फिर हम लोग का गाड़ी जो है वो सामान उतार दिया, बोला हम नहीं जाएगा इतना सामान लेके, तो सामान उतार के वो चला गया। फिर हम लोग को जाके उधर में बोला सामान तो बहुत भारी है इसलिए हम लोग उसको उतार के आ गया। हम बोला तो सामान कहाँ है, तो फिर हम 2-3 ड्राइवर इधर आया, आके सामान में हाथ देने लगा तो औरत लोग सामान में हाथ देने नहीं दे रहे, तो हम लोग जबरदस्ती सामान खोल दिया, खोलने के बाद देखा ये पैकेटिंग है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के भाई आरएन चामलिंग ने विद्रोह छेड़ते हुए अपनी नई पार्टी सिक्किम राज्य मंच की दक्षिण सिक्किम के यांगंग स्थित पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने गंगटोक के 5 माइल में पूर्वी जिला पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। आरएन चामलिंग यांगंग क्षेत्र से निर्दलीय विधायक है। संवाददाताओं के सामने उन्होंने दावा किया, मुझे विधायक के तौर पर 4 साल हो गए हैं और मैंने यांगंग के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है। मैंने हमेशा लोगों की परेशानियों में उनका साथ दिया है, बाकी अब लोगों को अपना फैसला सुनाना है। इस साल की शुरुआत में नई पार्टी की घोषणा के बाद उनकी यह पहली जनसभा थी। उन्होंने कहा कि अभी हमने पार्टी मुख्यालय खोला है, जल्द ही हम जिला स्तर पर पार्टी खोलेंगे, फिर निर्वाचन क्षेत्र पर और आखिरकार पंचायत स्तर पर। कार्यक्रम तो जब पार्टी हम लोग ने डिक्लेयर किया उसी दिन से शुरू है, लेकिन इस अभी मौसम का वजह से, रेनी सीजन के वजह से हम लोग इतना जितना सोचते हैं उतना रफ्तार में और स्पीड में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये मेन तो हमारा वेदर का कंडीशन से, तो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं काम करने के लिए और सभा करने के लिए। सीमेंट कंपनियों की ओर से बढ़ाए गए सीमेंट की कीमतों के विरोध में मिजोरम सीमेंट एंड आयरन रॉड डीलर्स एसोसिएशन के दुकान बंद रखे जाने के बाद सीमेंट कंपनियां सीमेंट की कीमतों में प्रति बैग 8 रुपए की कटौती को राजी हो गई है। एसोसिएशन ने मिजोरम में सीमेंट का दाम बढ़ाए जाने के बाद डालमिया, स्टार और टॉपसेम नामक 3 सीमेंट कंपनियों का सीमेंट बेचना बंद कर दिया था। सिलचर में जहां एक बैग सीमेंट की कीमत 401 रुपए है, वहीं मिजोरम में 470 रुपए में प्रति बैग सीमेंट बेचा जा रहा था।
आइजोल पुलिस थाने में मिजो छात्र संघ ने एक शिकायत दर्ज कराई और आइजोल के पुलिस अधीक्षक से आवश्यक कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने तीनों सीमेंट कंपनियों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद इन कंपनियों ने प्रति बैग सीमेंट में 8 रुपए घटाने की घोषणा की। खान स्टार सीमेंट कंपनी लहुतुलियंते पनी ही कलकत्ता ले गोदी लमटा रो छविन कंपनी ट्रेन से एंग्रिया इन तोम दोना सो जो फेन श्या तीर इसला इन हम कई नो एन कंपनी दाउ तेपन जिया किन हुलो मैला अदन छे दा जो